सैमसंग एम थर्टी वन का वॉलीम सेटिंग नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा वॉल्यूम सेटिंग आप कैसे कर सकते हैं अपने सैमसंग के डिवाइस में ठीक है अगर आपको वॉल्यूम सेट करना नहीं आते तो इस वीडियो को अंत तक देखें जो भी वॉल्यूम के रिगार्डिंग पर सेटिंग है वो शो करके आपको बताएगा तो आपको भी दोस्तों यहाँ पर पता चल जाएगा कि किस तरीके से वॉल्यूम वगैरह सेट आप कर सकते हैं अलग अलग दोस्तों वॉलीम सेटिंग्स है ठीक है अलग अलग तरीके के वॉल्यूम सेटिंग्स हैं तो सब कुछ आपको इस वीडियो पे देखने को मिल जाएगा वीडियो को अंत तक देखें वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले जाएंगे सेटिंग पर ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन तो ऊपर में दोस्तों आप देख सकते हैं ये है आपका साउंड मोड जो कि आपका ये रिंग मोड है ये वाइब्रेट और ये साइलेंट ठीक है तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं वाइब्रेट वायल रिंगिंग का ऑप्शन आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे रिंग टोन नोटिफिकेशन साउंड एंड लास्टली आपका वॉल्यूम ठीक है तो वॉल्यूम पे दोस्तों सबसे पहले आपको मिलेगा रिंग टोन यानी कि आपको अगर कोई कॉल करते तो वो रिंग टोन का होगा ठीक है यहाँ पर तो कितना लाउड आप सेट करना चाहते हैं अब यहाँ पे इस स्लाइडर को ठीक है अब यहाँ पे इस स्लाइडर के मदद से चेंज कर सकते हैं अभी दोस्तों मीडिया का ऑप्शन है मीडिया यानी दोस्तों आपका म्यूज़िक्स ठीक है आप जो भी सॉन्ग्स प्ले करते हैं आप यहाँ पे दोस्तों इसको कंट्रोल कर सकते हैं अभी नेक्स्ट पे दोस्तों आपको मिलेगा नोटिफिकेशंस ठीक है आपको कोई नोटिफिकेशंस आते हैं तो ये उसी चीज़ का सेटिंग है उसके बाद यह है दोस्तों आपका सिस्टम तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो ये है आपका सिस्टम साउंड और ये हो गया दोस्तों आपका नोटिफिकेशंस मीडिया और रिंग ठीक है ये चार सेटिंग आपको यहाँ पे अलग अलग मिलेगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन यूज़ वॉल्यूम फॉर मीडिया की तो यहाँ पे दोस्तों होता क्या है ये सेटिंग के मदद से ठीक है यूज़ मीडिया यूज़ वॉल्यूम की फॉर मीडिया तो आप दोस्तों जब इंक्रीज़ करते हैं वॉल्यूम को ठीक है तब दोस्तों हमेशा आपका जो वॉल्यूम है वो इनक्रीज़ होगा मीडिया वॉल्यूम ठीक है आपके वॉल्यूम बटन के मदद से तो ये उस चीज़ का सेटिंग है अगर हम इसको बंद करते हैं तो आइए देखते हैं यहाँ पे हमारा जो सिस्टम साउंड है वही इनक्रीज़ हो रहा है ठीक है तो एक तरीके से दोस्तों यहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं यहाँ पे तो बस दोस्तों सिंपल है ये है आपका वॉल्यूम सेटिंग उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद नहीं होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग